ऑल राइट, हे गाइस, वेलकम है आप सबका मेरे इस ट्यूटोरियल में। और अगर आप फेक फॉलोअर्स खरीदते हैं तो आप भी हो जाए सतर्क, क्योंकि आपका अकाउंट हो सकता है बैन या हो सकता है इंस्टाग्राम से शेडो बैन। सो क्या क्या होता है ये सब आप जरूर जाने इस वीडियो के अंदर, और पूरा देखें और इस चैनल को जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है तो ज़रूर कमेंट डाउन करें और अपना रिस्पॉन्स जरूर बताएं इस वीडियो के बारे में, क्यों मैंने इन्फॉर्मेशन आपको कैसे दी थी। और स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को जिसका नाम है रियल वर्सेस फेक फॉलोअर्स। और फॉलोअर्स बहुत बड़ी चीज़ होती है जो हर किसी को चाहिए होती है और रिक्वायरमेंट होती है एक इंस्टाग्राम अकाउंट की। सो मैं बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस करूँगा आपके साथ जिससे आप एक अच्छा सा एक अकाउंट जिसमें रियल पीपल्स हो और रियल फॉलोवर्स हो वहाँ आप कैसे ग्रो करें, और जस्ट मैं उसके सॉल्यूशंस भी बताऊंगा और प्रोज एंड कॉन्स जस्ट लाइक डिस्कस होगा इस वीडियो के अंदर, और मैं आपको पूरा बताऊंगा यहाँ पे। सो मैंने नोट्स रेडी कर रखे हैं, सो आप देख सकते हैं इस बार मैंने कितनी प्रिपरेशन करी है आपके लिए इस बार। सो मैं आपको बहुत अच्छा कंटेंट देने वाला हूँ इस बार, कंटेंट जो भी हो मेरे को नहीं बनना उसमें। सो सबसे पहले फेक फॉलोअर्स कैसे आप फाइंड आउट करते हैं। सो फेक फॉलोअर्स फाइंड करने के लिए आपको बहुत कम चीज़ें जानने की ज़रूरत है, वो है आपको उनके प्रोफाइल में जाना है और उनके फॉलोअर्स चेक करने हैं क्लिक करके। अगर उनके फॉलोअर्स की फ़ोटो में कोई प्रोफाइल नहीं लगी है और उन प्रोफाइल्स में कोई पोस्ट नहीं डली है तो स्पैमी फॉलोअर्स होते हैं। अगर वो आपको फॉलो करते हैं तो उससे गोस्ट फॉलोअर्स और अट्रैक्ट होते हैं, इससे आपका अकाउंट वॉयलेटेड होता है और बैन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो बैन कैसे होंगे आप, तो सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ बहुत सारे पॉइंट, दो पॉइंट है कि आपके अकाउंट को खतरा कैसे है फेक फॉलोवर्स से। सबसे पहले जब आप वेरीफाई कराने जाओगे अपने अकाउंट को तो आपका अकाउंट वेरीफाई बैडेज आइकन के साथ नहीं आएगा, जो ब्लू टिक नाम से आप जाना जाता है आपकी भाषा में, अगर आप मैं समझाऊं, और मैं भी उसे ब्लू टिक ही बोलता हूं, तो ये वेरीफाइड साइन होता है कि एक सेलिब्रिटी आइकन का, तो वो बाद में जाके आपका वॉयलेशन में काउंट हो सकता है, इसलिए फेक फॉलोवर्स ना परचेज करें क्योंकि वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम आती है। तो ये थोड़ा सा आप जरूर इसे माइंड में रखेंगे जब आप फेक फॉलोवर्स परचेज कर रहे हों। और फेक लाइक्स कभी भी एक रियल बिजनेस को बिल्ड नहीं करता है। अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं और आप फेक लाइक और फेक फॉलोअर्स खरीदते हैं तो आपका कंटेंट कभी रियल नहीं हो सकता, और जो ऑडियंस आपको फॉलो कर रही है वो कभी आपको रियल नहीं मिलेगी, क्योंकि जब कोई आपको रियल फॉलो करता है तो उस पर रियल एंगेजमेंट होती है। फेक पे क्या होगा, वो कुछ नहीं होगा, आपको स्पैमी कमेंट्स देगा और जस्ट यूज़लेस होते हैं वो। कभी आपको रियल, अगर आप कहीं इन्वायरमेंट में जाओगे आपसे मीटअप करने कोई नहीं आएगा, जस्ट आप एक फेक रॉयल्टी क्रिएट कर रहे हो अपने ब्रांड की। सो फेक फॉलोवर्स इतने भी अच्छे नहीं होते हैं। मैं आपको अब कुछ टिप्स बताऊंगा जिससे आप अपने अकाउंट को बहुत नेक्स्ट लेवल पे ले जाओगे। अगर आपकी ग्रोथ 600 से है तो आप 6000 तक पहुँच जाओगे, अगर 6000 है तो 60000 तक पहुँच जाओगे। सो ग्रोथ रैपिडली इंक्रीज होगी, जस्ट मेरे टिप्स को ध्यान में रखें, और बहुत ही मेहनत से बनाई है मैंने टिप्स, नेट भी मैंने पूरा सर्च करा है और जस्ट आपके लिए सामने लेके आया हूँ। तो फर्स्ट नंबर जो टिप है वो है कि बिल्ड जब कर रहे हो आप कंटेंट तो किसी पर्पज़ के लिए करो। लाइक आप किसी सिटी पे कर रहे हो, जैसे आपने कोई सिटी फोकस कर रखी है, स्टेट कर रखी है कि नेशनल पैंडमिक्स आए हैं, COVID-19 है, तो आप इस पे अपने अपडेट्स बता सकते हो कि हाँ मेरे को ऐसा है, मैं ऐसा सोचता हूँ, मेरे इस पे ऐसे रिव्यूज़ हैं, ठीक है। और फिर आप किसी भी एक टॉपिक पे रिसर्च कर सकते हो, लाइक जो आपको पसंद है। लाइक आप ये बता सकते हो कि फ़ोटो एडिटिंग्स की कितनी सारी ऐप्स हैं और आप ये यूज़ कर सकते हो, ये इसमें यूज़फुल है, ये इसमें यूज़फुल है, तो ये आपका एक प्लस पॉइंट बनेगा जिससे आप अपनी ऑडियंस अच्छी से क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। दूसरा है स्टोरी ऑफ अचीवमेंट बना सकते हो आप। स्टोरी ऑफ अचीवमेंट कैसे हो सकता है कि मतलब आप लीडिंग आइकन हो और लोग आपको जानना चाहते हैं, तो आप अपनी स्टोरी एज अ अचीवमेंट या जो भी आपने पाया है, कैसे कैसे माइलस्टोन्स अचीव करें, तो वो आप ज़रूर डाल सकते हो। वो आपके लिए होपफुली आगे चल के आपको बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे और लोग आपकी स्टोरी से इंस्पायर भी होंगे। सो सेकंड चीज़ की तरफ बढ़ता हूँ, एजुकेशन। सो आप लोगों को एजुकेट भी कर सकते हो इंस्टाग्राम से, वो कैसे, और वो ऐसे कि आप सबसे पहले रिव्यूज़ डाल सकते हो, स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल्स बना सकते हो, किसी
चीज को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो जो लोगों को नहीं समझ में आती है और वो अवेलेबल नहीं है लोगों के नॉलेज में कि हाँ ये चीज ऐसा भी कर सकते हैं। अगर आप एजुकेशन प्रोवाइड करते हो तो आपको रियल एंगेजमेंट जरूर मिलेगी। रियल एंगेजमेंट मींस रियल वर्क, और रियल वर्क की जो वैल्यू होती है ना आजकल के मार्केट में वो बहुत ही कम लोग जानते हैं, और जिनके फॉलोअर्स अच्छे होते हैं और रियल होते हैं तो वो ज़रूर जानते हैं। सो मैं भी बहुत 3-4 साल से स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन अब जाके मैं थोड़ा लाइक स्पॉटलाइट में आया हूँ, तो जस्ट मैं आपके साथ अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर करता हूँ। सो दूसरा होता है, थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, वो है इंस्पिरेशन। लाइक आप इंस्पिरेशन डाल सकते हो किसी को इंस्पायर करने के लिए, लाइक आप कोट्स पढ़ते हो तो कोट्स आपके लिए बहुत इंस्पिरेशन होते हैं, और वो चीज़ डालना लाइक वर्डिंग्स की आपको ग्रैब करे, आपका टेंशन ग्रैब करे, लोगों का टेंशन ग्रैब करे, तो आप वो डाल सकते हो। ठीक है, तो कोट्स भी आजकल बहुत ग्रो कर रहे हैं, लेकिन ऐसे कोट्स ना डालें जो दूसरों से कॉपी हो और आपने खुद क्रिएट ना करें। सो चौथे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, चौथा पॉइंट है एंटरटेनमेंट। अगर आप किसी सेलेब को फॉलो करते हैं और आप उसके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं तो आप उसके बारे में इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे कि लाइक ये पर्सन ऐसा था, लाइक सुशांत सिंह राजपूत है, लाइक अगर आप उसके बारे में डाई हार्ड फैन हैं, अगर आप उसके बारे में अच्छे से जानते हैं, आप उसका थ्रू आउट लाइफ स्टाइल जानते हैं, तो बहुत सारे लोग हैं इंस्टाग्राम पे जो वो चीज़ जानना चाहते हैं, तो आप भी वो लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं और उनको भी उसके बारे में बताएंगे तो लोग आपको ज़रूर अप्रिशिएट करेंगे और आपको फॉलो करेंगे। सो ये थी मेरी लाइक थिंग, और आप उस पर फ़नी कोट्स भी डाल सकते हो अगर आपको लगता हो। ठीक है, अब आते हैं अपनी नेक्स्ट चीज़ पर, वो होती है टैग प्लेस और लाइक सिटी, जहाँ पे भी आप हो। जैसे मैंने दिल्ली के अंदर फ़ोटो क्लिक करी है तो मैं दिल्ली की प्लेस डालूँगा, लोकेशन डालूँगा, और लाइक मैं किसी जगह पे हूँ, लाइक मैं बर्गर किंग पे हूँ जस्ट फॉर एग्जांपल, या डोमिनोज में हूँ या केएफसी में, तो मैं केएफसी को ज़रूर मेंशन करूँगा और उस प्लेस को ज़रूर मेंशन करूँगा। उससे क्या होगा, जो लोग वहाँ पे विज़िट करते हैं वो भी अपनी पोस्ट डालेंगे और वो भी चेक करेंगे कि पहले के लोगों ने यहाँ क्या डाला था और यहाँ के रिव्यूज़ कैसे थे, तो जस्ट वहाँ से आपको एक रियल एंगेजमेंट मिल जाएगी, तो वो आपको बिल्ड करने में बहुत ईजी रहेगी और आप एक रिव्यूअर की तरह लोगों के सामने आ सकते हो, तो जो लाइन आपको जहां लेके जाएगी वो आपके लिए बेटर रहेगी। ठीक है, तो अब बढ़ता हूं मैं एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज की तरफ, जो मैं बहुत ज्यादा इंस्टाग्राम पे नोटिस करता हूं, वो है टैग्स। तो टैग्स कभी लिमिट के बाहर मत डालो, 30 टैग्स की लिमिट होती है, अगर आपको नहीं पता तो मैं बताना चाहता हूँ। 30 टैग्स आप एक फ़ोटो के अंदर पुट कर सकते हो, उसके बाद अगर आप डालते हो तो इंस्टाग्राम पूरा वो डिस्क्रिप्शन हटा देता है। ठीक है, और आप टैग्स किस पॉइंट पे डालोगे, लाइक मैंने कोई फ़ोटो एडिट करी है, ठीक है, और वो मैंने फोटोशॉप में करी है, तो मेरे टैग्स रहेंगे एडिटिंग हैशटैग फोटोशॉप, क्रिएटेड बाय फोटोशॉप हैशटैग, और मेरा नाम का हैशटैग हो सकता है, और लाइक मैं कहीं प्लेस हूँ समथिंग, मैं किसी इवेंट पे गया हूँ तो मैं उस इवेंट का हैशटैग डाल सकता हूँ, और लाइक जस्ट इंस्पिरेशन के लिए मैं लोगों को उनको टैग कर सकता हूँ जहाँ से मैंने वो रेफरेंस लिया है या मैंने कुछ चीज़ ली है, तो वो जब आपके कंटेंट को विजिट करेंगे तो आपको वेरीफाइड लोग भी फॉलो कर सकते हैं और वेरीफाइड पीपल कमेंट कर सकते हैं, तो वो आपके लिए एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट होगी। तो इसको ज़्यादा नेगलेक्ट ना करें, हमेशा हैशटैग प्रॉपर यूज़ करें, और अगर आप ज़्यादा हैशटैग यूज़ करते हो तो आपकी पोस्ट स्पैमी भी लग सकती है, तो स्पैमी पोस्ट से बचने के लिए आप कम हैशटैग यूज़ करें लेकिन अच्छे हैशटैग यूज़ करें। अब आता हूँ मैं दूसरे पॉइंट पर, वो है कि आप एंगेज रहें अपने फॉलोअर्स के साथ डेली। क्यों, अगर आपने अगर एंगेजमेंट डेली नहीं करा अपने पीपल्स के साथ, फॉलोअर्स के साथ, तो वो डिसकनेक्टेड फील करेंगे। और अगर मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल दूं कि अगर आप अपने घर में रहते हैं और आप अपने घर के ही लोगों से कम्युनिकेट नहीं करते हैं तो आप एक कट टाइप फील करेंगे अपने फैमिलीज के बीच में, और एक बॉन्ड नहीं क्रिएट होगा, तो वो बॉन्ड क्रिएट करने के लिए आपको रोज़ यूज़र के साथ वो इंटरेक्शन करनी चाहिए, और वो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को भी बिल्ड करता है, और कमेंट्स को भी ज़रूर रिप्लाई करें क्योंकि कमेंट्स में भी बहुत लोगों की बहुत उम्मीदें होती हैं, सो ज़रूर करें। सो अब मैं आता हूँ एक मेन टॉपिक, वो होता है UGC। सो UGC के लिए
इसे थोड़ा आप समझें, और मैं भी डीप में समझाना चाहूँगा। और इसे बोलते हैं यूज़र जनरेटेड कंटेंट, मुझे फुल फॉर्म नहीं पता थी, मैं अभी देख के बताइए आपको। तो यूज़र जनरेटेड कंटेंट क्या होता है कि जैसे मैंने आपको PNGs दी, ठीक है, एक फ़ोटोज़ की, तो आपने वो PNGs ली और कंटेंट क्रिएट करा, तो मैं ये देखूँगा कि आपने किस लेवल का कंटेंट क्रिएट करा। अगर वो मुझे अच्छा लगता है तो मैं अपनी टाइमलाइन पे भी उसे शेयर कर सकता हूँ, और इससे बहुत सारे लोग ड्राइव होंगे और अटेंशन मिलेगा वहाँ पे। सो आप भी ऐसा कर सकते हैं, आपके किसी एसेट या आपके किसी ट्यूटोरियल की वजह से कोई दूसरा लोग इंस्पायर होता है और वो कुछ कंटेंट क्रिएट करता है, तो उसे ज़रूर सपोर्ट करें। वहाँ से आपको रियल एंगेजमेंट मिलती है, और वो एक स्ट्रेंथ होती है कि आपका जो फॉलोअर्स टू रिलेशनशिप है वो बहुत पक्का और मजबूत होए। ठीक है, अब बढ़ता हूँ मैं लाइक लास्ट सेकंड पॉइंट होगा या लास्ट थर्ड पॉइंट है ये कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन में मतलब क्या होता है कि जब आप पोस्ट डाल रहे होते हैं तो उस पर ज़रूर लिखें कि इफ़ यू लव दिस पिक ड्रॉप अ कमेंट, इफ़ यू लाइक प्लीज़ टैग अ पर्सन हुम यू लव, लाइक ऐसे जो पोस्ट होती हैं जिसमें आप यूज़र से कहें कि आप मेरी पोस्ट के साथ इंटरेक्ट करें, या आप कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कमेंट में, तो वो ज़रूर आपके लिए एक बेनिफिशियल पॉइंट बनता है और वो बहुत हेल्प करता है। तो UGC आपको ज़रूर अच्छे से यूज़ करना चाहिए, और लाइक ये वाले कमेंट्स भी बहुत यूज़ करने चाहिए जिसमें यूज़र आपसे खुद कॉल टू एक्शन, सॉरी UGC नहीं, कॉल टू एक्शन बोलते हैं इसे। फिर आप एक गिव अवे भी होस्ट कर सकते हो, लेकिन आपको गिव अवे वेरीफाइड वे में होस्ट करना होगा कि आप कहीं अपने ही दोस्तों को तो वो गिव अवे नहीं दे रहे हो, जस्ट लोगों तक वो गिव अवे जब आप पहुंचाओगे तो वो ज़रूर आपको अप्रिशिएट करेंगे और किसी न किसी एक की मदद ज़रूर होगी। और मैं भी इन कमिंग डेज मैं गिव अवे ज़रूर करूँगा, जैसे ये थोड़ा कोरोना डाउन हो जाता है तो गिव अवे ज़रूर रहेंगे आप सबके लिए, जिससे आप सबको बेनिफिट मिलेगा और आप भी ग्रो करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे। ठीक है, और फिर लास्ट पॉइंट आता है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है, ये है कि आप जब डिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो उसमें इमोजीज ऐड करें। मैंने चेक करा है 57% लोगों की जो इमोजीज यूज़ करते हैं उनकी पोस्ट ज़्यादा नोटिस होती है विदाउट जो इमोजीज नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो इमोजीज एक नेक्स्ट लेवल आया, क्योंकि हमारे पहले कीबोर्ड में इमोजीज नहीं होते थे, अब हैं, और हम इमोजीज बहुत नेक्स्ट लेवल पे भी यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो वो लोगों का अटेंशन भी ग्रैब करता है। सो इसलिए इमोजीज एक बहुत परफेक्ट, और कैसा परफेक्ट इमोजीज यूज़ करते हैं वो भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है, डिपेंडिंग आपकी फ़ोटो का मूड क्या है। मूडी पिक्स में ही इमोजीज यूज़ करें, और लाइक जैसा भी मूड हो इमेज का आप वैसा यूज़ करें। सो थैंक यू गाइज, यहाँ इसको रैप अप करते हैं फॉलोअर्स रियल वर्सेस फेक फॉलोअर्स का, और रियल फॉलोअर्स कैसे गेन होते हैं ये भी मैंने आपको बताया। सो मेरी इतनी मेहनत के लिए एक ज़रूर लाइक करें और एक ज़रूर कमेंट करें आपको कैसा लगा ये कंटेंट, और अगर आपको ऐसा इन फ्यूचर और कंटेंट चाहिए आप ज़रूर कमेंट करें, मुझे सपोर्ट करते हैं आपके कमेंट्स और नई नई वीडियो बनाने में। सो थैंक यू गाइज।